खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। मुंगावली में संपन्न हुआ जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर। विकासखंड मुंगावली में सामुदायिक भवन में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का सोमवार को आयोजन किया गया, जिसमें 888 आवेदन प्राप्त हुए। 177 आवेदनों का निराकरण मौके पर ही कर दिया गया। 711 आवेदनों का निराकरण 25 फरवरी तक कराए जाने के निर्देश संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस शिविर में खाद्यान्न पर्ची, गरीबी रेखा के नाम जोड़ने, सीमांकन, विद्युत, पेंशन, आवास संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। उपस्थित अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अजय कटसेरिया, जिला वन मंडल अधिकारी संजय सिंह चौहान, मुंगावली तहसीलदार, एसडीएम जनपद, सीईओ सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। चाहते दो दिन तक का लिए 50 आदमी बाहर खड़ा हो गई। मैंने कि सर मैं बोले मर जा, कोई क्या मतलब नहीं। चंदेरी वालों ने लिख दिया कि तेरा सुमन भाई के नाम से मुंगावली में। जिसमें मौके पर आकर जिले की कलेक्टर महोदय श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा कार्यक्रम की पूर्ण जानकारी लेकर अधिकारियों को आदेश दिए एवं समस्याओं का निराकरण हो, और कहा अगले शिविर में गांव से अधिक किसान आए, गांव में जाकर समस्याओं का निराकरण हो। अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए। छह उनकी भी डेथ हुई है ना उनके आदिवासी उन लोगों की, तो उसमें भी हम लोग को उनके सहायता भी देना था। सहायता पूरी टीम थी, सतत हम लोग संपर्क में थे। जिला स्तरीय वैसे एक ही शिविर, मैं तो पिछली बार मुंगावली में लगातार आ रही हूँ। मैं इसके पहले भी जो मुंगावली में शिविर था उसमें भी आई थी, उसके बाद मुंबई में लगा था उसमें भी आई थी, और अगला शायद बहादुरपुर होगा उस दिन भी आऊँगी मैं। तो आपके मुंगावली ब्लॉक में उसकी तारीफ आप लोगों को करनी चाहिए, जिसमें हर ब्लॉक में जो शिविर जिला स्तर का नहीं था तब भी मैं उपस्थित। खबर समय जगत के लिए मुंगावली से सुरेंद्र यादव की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।